हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है स्क्लेरोडर्मा। अब ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर बॉडी का जो इम्यून फंक्शन होता है उसका जो ट्यूनिंग सिस्टम कुछ ख़राब हो जाता है और बॉडी को हेल्प करने के बजाय ये बॉडी के ही खिलाफ काम करने लगता है। तो स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो स्किन रहता है और जो कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को जोड़ के रखता है और उनको मजबूत करता है, तो ये स्किन और सबक्यूटेनस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये हार्ड होने लगता है और जैसे मार लगने के बाद एक स्कार फॉर्मेशन होती है उस तरह से ये हार्ड होकर स्कार फॉर्मेशन जैसा होने लगता है। तो ये अलग अलग प्रकार है इसके अंदर, मेन दो प्रकार है जिसके अंदर एक तो डिफ्यूज़ है और लोकलाइज्ड है इस तरह से। तो जो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पाया जाता है इसको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बोलते हैं, और नहीं तो फिर ये लोकलाइज भी रह सकता है। तो ये अगर पूरे बॉडी में फैला हुआ है और इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है तो इन द लॉन्ग रन ये काफ़ी सीरियस बीमारी हो सकती है। और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसका कोई जल्दी रोग होता नहीं है। इसको अगर ट्रीटमेंट भी लेना है तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, खास करके जब आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक दवाई दी जाती है, स्टीरॉइड्स, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स, इस तरह के दवाइयाँ ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, जिसके खुद के भी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं। तो स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, उसको रोका जा सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स है उसके लिए। साथ में बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड है, स्किन और सबक्यूटेनस टिश्यू तो होता ही है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से जो लक्षण है उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जो मेन ऑटोइम्यून प्रोसेस है उसको धीरे धीरे ये प्रोसेस को उसकी जो स्पीड है उसको कम करके उसको रोकना पड़ता है। और साइड बाय साइड जैसे मैंने बताया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, अगर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि परमानेंट डैमेज ना हो। अक्सर काफ़ी पेशेंट्स में अगर बीमारी सीरियस है और ज़्यादा सीवियर है तो फिर ओरल मेडिकेशन के साथ साथ पंचकर्मा के मोडालिटीज़, जो अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके अंदर फिर क्या ट्रीटमेंट देना है, अगर फुल बॉडी मसाज है, स्नेहन है, स्वेदन है, या वमन विरेचन करना है, रक्तमोक्षण करना है, ये सिम्टम्स कैसे हैं उसको देखकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन इन जनरल पंचकर्मा और ओरल मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये स्क्लेरोडर्मा जो एक सीरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उसको फिर बाद में धीरे धीरे दवा टेपर करके अगर बंद करें तो उसका लॉन्ग टर्म रिकरेंस भी रोका जा सकता है। इन जनरल रफली 8 से 10 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कुछ लोगों में कम लगता है, कुछ लोगों में उससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपन सीवियरिटी। लेकिन ओवरऑल आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है स्क्लेरोडर्मा के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और इससे पेशेंट का जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ओवरऑल जो एक प्रोग्नोसिस है या लॉन्ग टर्म आउटलुक है इस बीमारी में, ये ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट स्क्लेरोडर्मा का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।